सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। तो आज हम फिर से निकल चुके हैं एक नई जर्नी, नई डेस्टिनेशन पे। तो वीडियो के टाइटल से आपको पता लग ही गया होगा कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। तो बेसिकली हुआ क्या कि हमारा अचानक से प्लान बना, मतलब प्लान कहीं और जाने का था, बट एट द लास्ट वी थॉट कि हम मनाली चले जाते हैं। तो अभी हमने रूपनगर से आगे हमने क्रॉस किया, रात को हम 12 बजे निकले थे दिल्ली से, और अभी रास्ते में 3 घंटे हम रुक गए थे, सो गए थे एक्चुअली एक ढाबे के बाहर ही गाड़ी के अंदर। तो ये एक टोल है यहाँ पे, मतलब जैसे अगर आप आओगे हिमाचल में एंट्री के लिए, तो अभी कितना यहाँ पे यू हैव टू पे 40 रुपीज़। ये देखिए सामने का व्यू देखिए। तो अभी जैसे ही आप यहाँ पे पहाड़ में एंट्री करोगे ना, तो ये 40 रुपये आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे, ठीक है। एंड यू विल गेट दिस टाइप ऑफ रिसिप्ट, यू कैन सी हियर, दिख रहा है, ब्लर हो रहा है, ठीक है, 40 रुपीज़ का ही एक्चुअली। तो आई वॉज सेइंग कि हम रात को 12 बजे निकले थे वहाँ से, तो हम 5 बजे के आसपास सुबह पहुँच गए थे रूपनगर के आसपास। एंड उसके बाद हम रुक गए, हमने चाय वगैरह पी, फिर हम कार में ही सो गए क्योंकि ही वॉज टायर्ड। कार में सोने का मजा बहुत अच्छा है। हाँ, मतलब इट वॉज अ फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर अस कि कैसे कैसा लगता है, कैसा होता है। और सुबह नींद पता है उससे खुली है, जब धूप आ गई ना चेहरे पे तब जाके नींद खुली है, बट इतना सही लग रहा था ना, पूरी थकान निकल गई है, अब बिल्कुल फ्रेश फ्रेश लग रहा है, ऐसा लग रहा अभी निकले नोएडा से सुबह मॉर्निंग में। मतलब जब हम सुबह उठे ना, तो बिल्कुल डायरेक्टली हमारे फेस पे सनलाइट थी, और सनलाइट से हम उठे ऐसे बहुत टाइम बाद देखा जाए तो। तो 8:30 के आसपास अभी हम निकले थे, और अभी यहाँ से मनाली पहुँचने में हमें नियर अबाउट अभी 7 से 8 घंटे लगेंगे क्योंकि हम रुक रुक के जाएंगे। तो चलिए चलते हैं आगे, मिलते हैं आपसे और बताते हैं क्या क्या है रास्ते में। तो गाइज, अगर आप यहाँ के रास्ते देखोगे ना, रास्ते अच्छे बने हुए हैं, नो डाउट। बीच में थोड़ा बहुत है कहीं पे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, लेकिन टू वे है, और अभी तक हमें कोई रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मतलब काफी अच्छे हाईवेज बने हुए हैं अभी। ऑल दो वी हैव एंटर्ड इन द माउंटेन्स, बट स्टिल अभी देखिए यहाँ पे जैसे छोटे छोटे से यहाँ पे पैचेस है, ये ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, इतना तो चलता है। यहाँ पे साइड पे देखिए, बट सामने का व्यू देखिए आप, क्या व्यू आ रहा है सामने। एक अभी हमें यहाँ पे साइन बोर्ड दिखा है, इट सेज कि मंडी जो है वो 114 किलोमीटर, बिलासपुर 49, एंड मनाली नहीं दिख रहा है अभी। तो मंडी 114 किलोमीटर फ्रॉम हियर अभी हम यहाँ पे हैं। एंड वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि जैसे जब आप मनाली जाते हो ना, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, काफ़ी सारे आपको टनल्स मिलेंगी, ठीक है। तो टनल्स भी बहुत सही बने हुए हैं यहाँ के, आपको पता लग रहा होगा कैसा रास्ता है यहाँ पर। हाँ जी, आ गया मैं। अब काफ़ी देर से आप लोग मुझे देख नहीं पा रहे थे, परेशान भी हो रहे थे आई थिंक। तो आपको बता दें कि हम निकले थे नोएडा से, और थोड़ा सा इसको छोटे में ख़त्म करते हैं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करते। नोएडा से निकले थे, देन रात को निकले थे 12 बजे, और इसके बाद कंटिन्यूसली मैंने ड्राइविंग करी और सीधे मैं रुका
रूपनगर में, आई थिंक कहाँ रुके थे, रूपनगर में। तो रूपनगर में मैं रुका मॉर्निंग में, आई थिंक 5:30 बज रहे थे। वहाँ पे चाय पी और गाड़ी में ही सो गया 3 घंटे के लिए, मस्त मज़ा आ गया। फिर जैसे ही धूप वगैरह निकली, नींद खुली, अब उसके बाद डायरेक्टली अब मनाली वाले रोड पे हैं हम, और अभी मंडी पहुँचने वाले हैं। 40 किलोमीटर है यहाँ से। एक जगह रुके हैं, रेस्टोरेंट है, एक बार मैं रेस्टोरेंट का नाम भी बता देता हूँ। क्या नाम है? देवभूमि भोजनालय। ये लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ेगा मंडी से पहले। तो अभी देखते हैं, मंगाया चाय और पराठा, देखते हैं कैसा है, बाकी आपको अपडेट देते हैं। और एक बार व्यू देखो आप यहाँ का, रेस्टोरेंट का व्यू है ये, कहीं पिकनिक का स्पॉट नहीं है, रेस्टोरेंट है ये। और ये हमारी चाय है, तो अभी रास्ते में रुक गए हैं। अभी हम पहुंच गए हैं कुल्लू, और मनाली यहाँ से अभी होगा 50 किलोमीटर के समथिंग, 1.5 घंटे के समथिंग लग जाएगा। शाम को बज रहे हैं 4 और लेट तो हो गए हैं थोड़ा सा। अभी होटल बुक किया नहीं है, वहाँ पे जाके देखते हैं। वैसे तो अभी होटल सस्ते हैं, बाकी एक बार वहाँ जाके मैं पता करता हूँ क्या रेट है। बाकी आप व्यू देखो कितना मस्त है कुल्लू भी, यहाँ पर भी आप आ सकते हो, घूम सकते हो। तो आप देख सकते हो अल्टीमेट व्यू है यहाँ का कुल्लू का, बहुत शानदार। ये नीचे नदी जा रही है, ये अगर आपको दिख रहा हो, जूम कर देता हूँ, जूम नहीं हो रहा है, ऐसी देख लो आप लोग। काफ़ी अच्छी जगह है कुल्लू। रोड कंडीशन बहुत बेकार है, मतलब कुल्लू से मनाली वाला तो बहुत अच्छा है, बट जो कुल्लू के पहले वाला रोड है ना, मतलब 100 किलोमीटर बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब 20 से ज़्यादा गाड़ी आप जा ही नहीं सकते। थक गए हैं, खैर अभी बाकी आप इंजॉय करो व्यू का, काफ़ी ग्रीनरी है। अभी हम यहाँ पे रुके हैं मैगी खाने के लिए, मैगी एंड चाय। सो गाइस, वी हैव रीच्ड मनाली। तो अभी हमें यहाँ पे आए हुए हो गए हैं नियर अबाउट 2 घंटे। तो हमने ये होटल अभी लिया है, तो ये ऑफलाइन ही बुक किया था हमने। तो लेट मी गिव यू द टूर ऑफ द रूम एक्चुअली। सो हेयर इज़ द एंट्रेंस। सो अगर आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे कवर्ड है, इट्स एम्प्टी, यू कैन पुट योर थिंग्स ओवर इट हियर। एंड इधर वॉशरूम है, लेट मी ऑन द लाइट्स। सो इट्स नीट एंड क्लीन, यू कैन सी। हेयर इज आर लगेज, एंड इफ यू विल गो स्ट्रेट, सो हेयर वी हैव द स्वप्निल, एंड वी डू हैव द क्वीन साइज बेड हेयर। सो आप यहाँ का कंस्ट्रक्शन देखो, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। हेयर इज़ अ टी वी, हेयर इज़ अ सिटिंग एरिया वेर यू कैन सेट, एंड यहाँ पे कर्टन लगे हैं। एंड वेन यू विल कम हेयर, देन यू विल गेट दिस वंडरफुल एंड ब्यूटिफुल व्यू। आप देखिए इसको, दिख रहा होगा आपको। हेयर इज़ अ सिटिंग एरिया, यू कैन सिट हेयर, एंड फ्रॉम हेयर ऑल्सो हाई। यहाँ बेड पे बैठ के भी आप यहाँ बाहर के नज़ारे देख सकते हो। आप देखो वहाँ पे आपको स्नो दिख रही होगी। तो चलिए चलते हैं अंदर। सो कैसा लगा आपको रूम, एंड हाउ डिड यू बुक दिस रूम, लाइक कैसे, एंड हाउ मच हैव यू पेड फॉर दिस? मैंने एक्चुअली बुक जो किया है वो ऑनलाइन ही किया था, और ऑनलाइन नहीं किया था। दोबारा से कर देते। तो अगर मैं आपको बताऊं कि बुक कैसे किया है, हम आ रहे थे तो आपको पता है मनाली में एंट्री करते समय आपको 200 रुपये पे करने पड़ते हैं, और अगर आपका फास्ट ट्रैक है तो वहीं से डिडक्ट हो जाएगा, मतलब ओनली एंट्री फीस बोल सकते हो। तो वहाँ पे एक बंदा मिला कि होटल 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 करके, तो वही ऑफलाइन किया है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ऑनलाइन मैं देख रहा था 2,000 का आ रहा था, वो भी छोटे छोटे से जो रूम होते हैं। बहुत शानदार होटल है, इसका इंटीरियर बहुत अच्छा लगा। आप ये देखो, पूरा जो वुडन का है ना, और इसकी क्वालिटी इज एक्चुअली गुड। होटल का नाम क्या है? होटल का नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कर दूंगी। ये बेसिकली इट्स हमसर व्यू। तो इसमें हमने जो पे किया है वो 2,500 रुपीज पे किया है, जिसमें हमारा इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट है एंड डिनर भी है।
हाँ, सो दैट इज फॉर द वन डे. तो अभी हमने एक ही दिन का किया है. लेट्स सी इफ वी आर प्लानिंग टू एक्सटेंड इन द सेम होटल और मे बी विल सर्च फॉर द डिफरेंट होटल. एक चीज और, अगर आप मनाली आ रहे हो ना, तो अगर आपको व्यू चाहिए तो अभी तक का हमारा सबसे बेस्ट व्यू है ये. एग्जैक्टली, दिस इज द बेस्ट व्हिच वी आर गेटिंग. आउट ऑफ मनाली तो काफी व्यू आपको मिल जाएंगे, बट मनाली की बात कर रहा हूं. इफ यू आर कमिंग फर्स्ट टाइम तो डेफिनेटली यू कैन बुक दिस रूम. जो ये आपका होटल है ये बेसिकली कहाँ पे है, लेट मी एक्सप्लेन यू लिटिल बिट. तो ये आपका जो यहाँ पे मोनेस्ट्री है, तिब्बतन मोनेस्ट्री, उसके जस्ट बैक साइड पे होगा. तो यहाँ पे जो मॉल रोड है, इट विल हार्डली टेक 5 to 10 minutes अगर आप वॉक करके जाते हो तो, 5 to 7 minutes, एंड देन यू विल गेट द ब्यूटीफुल. हम सुबह का एक्चुअली अभी ये है कि 6 मार्च को यहाँ पे, मतलब कि कल माइट बी विल गेट द लाइव स्नोफॉल. सो do you want to say something about the snowfall? Have you seen the snowfall before than that? Live snowfall तो कभी नहीं देखा, बर्फ तो बहुत देखी है. So we are expecting कि शायद कल हमें मिल जाए यहाँ पे बर्फ गिरती हुई. चलो चाय डालो, ठंडी हो रही है. हाँ, हमने देखी यहाँ पे अभी चाय ऑर्डर करी थी एंड चाय इज फॉर 30 rupees. तो ये हमारे उसमें इंक्लूड नहीं था बुफे में. तो अभी ये इवनिंग की टी है. तो इस चाय के साथ आप व्यू को इमेजिन कर ही सकते हो कैसा लग रहा होगा आपको. तो गाइज, अभी बेसिकली हम मॉल रोड घूम रहे थे मनाली का. तो यहाँ पे एक ना तिब्बती मार्केट है, ये आप देखिए यहाँ पे. ये एक्चुअली जब आप मॉल रोड से अंदर आओगे ना, बाहर का रास्ता दिखा देंगे हम आपको. तो यहाँ पे अंदर की साइड आके थोड़ा सा ओल्ड मनाली में यहाँ पूरी तिब्बती मार्केट है. तो यहाँ पे जो बेसिकली आपको चीज़ें मिलेंगी, मतलब काफ़ी सारी तिब्बती चीज़ें मिलेंगी. तो ये आंटी है, सो शी इज़ सर्विंग थुपका, वेज मोमोज एंड ऑल्सो द नॉन वेजिटेरियन थिंग्स. तो आंटी, कब से शॉप है आपकी, कितना टाइम हो गया जी? हाँ, मतलब कितना पुराना शॉप है जी? 1978 लिखा है. 45 years ओल्ड शॉप. तो अगर अच्छा, तो ये बेसिकली यहाँ पे इनके मतलब पेरेंट्स की शॉप है, तो उसी को ये रन कर रही है. तो इफ़ यू आर चाउमिन राइस, तो इफ़ यू आर कमिंग हेयर तो आप प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर ट्राई किए. तो वी हैव ट्राइड वेज थुपका हेयर, सो इट वॉज 80 rupees. रेट्स आर ऑल्सो जेन्युइन, रेट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यहाँ पे अगर आप आइए तो प्लीज़ ट्राई करिए. तो गाइस देखिए, अभी डिनर आ चुका है. जैसे हमने बताया था कि वी हैव बुक द डिनर, तो अभी देखते हैं कि डिनर में क्या क्या है. सो इट इज दाल मखनी, हियर इज चपाती, वी डू हैव सैलेड, दिस इज मटर पनीर एंड दिस इज राइस एंड एट द लास्ट वी डू हैव आलू गोभी. मैं आपको पूरा ओपन करके दिखाती हूँ, वेट अ वाइल. तो गाइस ये देखिए, ये पूरा डिनर है. क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा दी है इन्होंने, तो अभी देखते हैं. आई डोंट थिंक सो कि वी आर एबल टू फिनिश ऑल ऑफ दिस, बट वी विल ट्राई कि हम ख़त्म कर सकें इसको.